दोस्तों आज पुतला चढ़ाया गया है, अपोलो चौक है ये। दोस्तों नगर परिषद का पुतला जलाया जा रहा है। दूर ले दूर सर आज क्या क्या कार्यक्रम था? न्याय के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों को नमस्कार, और इन गरीबों की आवाज़ उठाने वाले इन न्यूज चैनलों के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज जो धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास योजना में जो रिश्वत कांड नरवाना के अंदर हुआ है, उस रिश्वत कांड के तीसरे दिन नगर परिषद के भ्रष्टाचारियों का आज हमने अर्थी निकाल करके पूरे शहर में भ्रष्टाचारियों की अर्थी निकाली, और उस अर्थी को विधिवत रूप से जिस प्रकार संस्कार किया जाता है नगर परिषद के बाहर गेट पर उसका संस्कार किया गया। आज सभी पीड़ित परिवार इस कार्यक्रम में शामिल हुए और नगर परिषद के भ्रष्ट अंतर को समाप्त करने का काम किया। जिन भ्रष्टाचारियों ने यह भ्रष्टाचार का गरीब परिवारों के साथ भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, उनके घरों पर जा करके वहाँ पैसे उनसे मांगे गए और 2.5 लाख रुपए हम देंगे तुम्हारे को ये लालच दिया गया, उनको बरगलाया गया। उन भोले भाले लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अधिकारी मिलने नहीं आए, अधिकारियों के द्वारा मैसेज ज़रूर आए हैं, हम इसकी कार्रवाई करेंगे। मुझे जानकारी मिली है यहाँ लोकल स्तर पर एक नायब तहसीलदार को इसकी जांच करवाने की बात
अधिकारियों के द्वारा की जा रही है जो हमें मंजूर नहीं है। मेरा नाम बलवान शक है, प्रदेश अध्यक्ष शक समाज हरियाणा। हमने जो ये धरना रखा है अनिश्चितकालीन धरना है, और हमारे जैसे नए नरवाना के तहसीलदार हैं उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन हम इस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है, और वो भी सके दायरे में, मान लो हमें विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं नरवाना किसी बाहर जांच करवाई जाए। आवास योजना के नाम पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया था लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, उन्होंने आज पुतला फूका है नगर परिषद का, और हम चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार को जल्दी से ख़त्म किया जाए, और ताकि जो ये लोग हैं इनको इनकी स्कीम का पैसा मिले। तो दोस्तों यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।